हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास, क्लास फोर्थ। आज की यूनिट है जी यूनिट 21, साइमेट्री। साइमेट्री का मतलब होता है समरूपता, यानी कि जो दो चीज़ एक जैसी हो, यानी कि जिनके रंग रूप समान हो, एक जैसे ही दिखाई देते हों, यानी कि टू कॉपी। जैसे कि आप कोई पेज ले जाते हैं कॉपी कराने के लिए, उसकी दूसरी कॉपी करा के लाते हैं ना, तो उसे ही कहते हैं समरूपता, बिल्कुल एक जैसा ही। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देख लेते हैं साइमेट्रिकल शेप क्या होती है, यानी कि साइमेट्री की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा। ए शेप डैट कैन बी डिवाइडेड बाई ए लाइन इंटू टू इक्वल पार्ट विच कैन कवर ईच अदर एग्जैक्टली इज कॉल्ड ए साइमेट्रिकल शेप या ऑब्जेक्ट। शेप या ऑब्जेक्ट एक ही बात होती है, ठीक है जी। तो साई एक शेप जिसे हम किसी, आपने मान लीजिए आपने किसी कागज पे एक कोई चित्र बना लिया है ना, कोई फिगर बना लिया करती शेप है ना, ऑब्जेक्ट है कोई, किसी कागज पर चित्र है उसका, और वो आपने उसे किसी एक डॉटेड लाइन के द्वारा, साइमेट्री लाइन का मतलब होता है डॉटेड लाइन, जो बीच बीच में से कट होती है, ऐसी लाइन है ना, जैसे आपको ये चित्र में दिख भी रही होगी है ना। तो अगर उस लाइन के द्वारा हम उसे दो बराबर भागों में बाँट दें, और जैसा भाग लाइन के एक साइड हो ऐसा ही दूसरी साइड होना चाहिए, सेम का सेम, टू कॉपी है ना। अगर उसे हम काटें तो वो एक दूसरे को पूरा पूरा एग्जैक्टली ढक ले, कवर का मतलब होता है ढक ले, ना कहीं से कम हो और ना कहीं से ज़्यादा हो, ठीक है। तो उसे हम साइमेट्रिकल शेप कहते हैं, है ना, और ऐसी लाइन को साइमेट्रिकल लाइन कहते हैं, है ना। तो नीचे दिया गया है, ए लाइन dividing a symmetrical shape into two equal part is called its line of symmetry। जैसे कि आपको ये दिखाया जा रहा है स्टूडेंट, जैसे कि ये चित्र है ना, तो इस चित्र को ये जो लाइन है, ये symmetrical लाइन है, ये दो बराबर भागों में बांट रही है। देखिए एक पंख इधर है ना, एक पंख इधर है, एक आइज इधर है, एक आइज इधर है, एक पैर इधर है, एक पैर इधर भी है, एक आइज इसके जो एंटीना है एक इधर है, एक इधर एंटीना है ना। तो दोनों साइड जो जिस साइड जैसा इस साइड है ऐसा ही इस साइड है, बिल्कुल सेम सेम। तो जो भी लाइन किसी एक फिगर को ऐसे बांटते जैसा इधर हो ऐसा ही दूसरी साइड भी हो, समरूप हो एकदम, तो उसे हम साइमेट्रिकल लाइन कहते हैं, और उस ऑब्जेक्ट को जो डिवाइड हो गया उसे साइमेट्रिकल ऑब्जेक्ट कहते हैं, है ना। जैसे ये चित्र है बच्ची का, है ना, ये चाइल्ड है, तो अगर हम इसे ऐसे सिर के साइड से इस पर ये साइमेट्रिकल लाइन ड्रा करते हैं, तो ये आधा नाक इधर रह जाएगा, इधर रह जाएगा, एक कान इधर रह जाएगा, इधर रह जाएगा, एक आँख इधर, एक इधर, तो इसी तरह गला भी बराबर डिवाइड हो गया, ऐसी चोटी इसकी इधर है, ऐसी इधर है। अगर एक साइड दूसरी तरह की चोटी होती है और इस साइड दूसरे की होती, अलग प्रकार के बाल बनाए हुए होते, तो फिर ये साइमेट्रिकल नहीं होती। अब इसके दोनों तरह के बाल, दोनों साइड के बाल एक जैसे ही हैं, है ना। तो स्टूडेंट ये साइमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है और ये लाइन साइमेट्रिकल लाइन है। आप ताजमहल को देख सकते हैं, ये भी बिल्कुल जितनी मीनारें इधर हैं उतनी इधर है, जैसा दृश्य लाइन के इस साइड है ऐसे ही बिल्कुल उस दूसरी साइड भी है। अगर थोड़ा सा भी अलग अलग होता तो ये साइमेट्रिकल ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है जी। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 21, आप लोग समझ चुके हैं कि साइमेट्रिकल लाइन क्या होती है और साइमेट्रिकल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, है ना, हमें यही समझना था इसमें। अब स्टूडेंट देखिए, एक्सरसाइज जो 21 है इसमें क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन है जी, डज द डॉटेड लाइन ऑन ईच शेप
represent a line of symmetry? Yes or no? तो स्टूडेंट जो भी ये शेप दी गई हैं आपको, ये शेप दी गई हैं, ये वाली शेप, ये सारी शेप जो आपको दी गई हैं, क्या इनमें जो ये लाइन है, जो साइमेट्रिकल लाइन है, ये साइमेट्रिकल लाइन है, क्या ये साइमेट्रिकल लाइन है या नहीं? साइमेट्रिकल लाइन का मतलब है क्या ये इन्हें दो बराबर भागों में बांट रही हैं? अगर बांट रही हैं तो ठीक है जी, अगर नहीं बांट रही तो आपको नो लिखना, अगर बांट रही तो यस लिखना, ठीक है जी। तो अब देखिए, आप जो ये लाइन है ये इस फिगर को बराबर दो भागों में बांट रही है। देखिए एक इधर है, ये एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, ये भी आधा आधा हो गया, और ये बीच से, जैसी फिगर इस साइड है ऐसी इस साइड है सेम, तो ये यस हो गया। क्या होगा जी? यस। तो आप ए वाले पे लिख सकते हैं यस, ठीक है जी। अब बी वाली फिगर जो है, बी वाली फिगर भी जैसी ए वाली थी बिल्कुल सेम ऐसी है, बस इसे थोड़ा सा घुमा दिया गया। ओके स्टूडेंट, तो ये भी इसे बिल्कुल उससे ही बांट रही है। देखो एक कौन इधर है, कौन इधर है, कौन इधर है, कौन इधर है, है ये कौन है, कोना है, कॉर्नर है, वर्टेक्स है, ये बीच में से बराबर बराबर हो गया और यहाँ भी ऐसे हो गया, तो इस पे भी बी वाले पे भी यस आ गया, ठीक है जी। अब सी वाली जो डॉटेड लाइन है आपकी, है ना, ये वाली, ये लाइन इस फिगर को देखो आप बिल्कुल बराबर, बिल्कुल बिल्कुल सही बांट रही है ना, जैसे ये इधर है ऐसा इस साइड है, तो स्टूडेंट ये भी यस हो गया, सी वाला भी यस हो गया। अब डी वाला देखिए, आप डी वाले में जो ये फिगर है ये बड़ी है, और जो ऊपर है लाइन, लाइन के जो दूसरी भाग है तो ये छोटा है ना, तो ये बिल्कुल बराबर नहीं है, है तो नहीं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नो, जो डी वाला है वो नो हो जाएगा, ठीक है जी। अब हम ई वाला देख लेते हैं, जो ई वाला है आप अपनी बुक में देखिए, जो ई की डॉटेड लाइन है ये इस सर्किल को दो बराबर भागों में बांट रही, अगर आप इस सर्किल को बना के लाइन से मोड़ दें, लाइन वाली साइड से, तो एक दूसरे के ऊपर कवर हो जाएंगे बिल्कुल, ठीक है जी। तो इस पे भी यस आएगा, ई वाली पे भी यस आ जाएगा, है ना। तो जी सिर्फ डी वाली रोंग है, बल्कि ए, ए बी सी और ई, इन सब पे यस आएगा, डी पे नो आएगा, ठीक है जी, समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर वन आपका कंप्लीट होगा। अब क्वेश्चन नंबर टू की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में क्या कह रहा है जी, ड्रा द लाइन ऑफ साइमेट्री फॉर द दिस फिगर, जो ये फिगर दे रखी है इनमें आपको साइमेट्रिकल लाइन बनानी है, ठीक है जी। साइमेट्रिकल लाइन का क्या मतलब है, जो इन्हें बराबर हिस्सों में बांट दे, और साइमेट्रिकल लाइन स्टूडेंट वन भी हो सकती है, टू भी हो सकती है, थ्री भी, फोर भी, और काउंटलेस भी हो सकती हैं, इतनी ज़्यादा हो सकती है कि हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई जीरो है, अगर आप जीरो को बिल्कुल गोल है उसमें आप इतनी साइमेट्रिकल लाइन बना सकते हैं कि आप उन्हें काउंटलेस कह सकते हैं, है ना। तो जो भी सर्किल होंगे उनमें जो, अगर उनके बीच में कोई डिजाइन या चित्र नहीं है, कोई बना हुआ नहीं है, तो आप उनकी असीम, अनगिनत, जो गिनी नहीं जा सकती इतनी खींच सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, अब ये जो फिगर दे रखी है आपको, जो डॉटेड लाइन है, आप वो फीटी रखने के बाद ऐसे 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 सीधी लाइन खींचेंगे फीटी की सहायता से, ऐसे डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन होती है, ठीक है जी। अब आपको देखिए, अब इसमें आप दो लाइन खींच सकते हैं, वैसे तो इसमें कितनी भी खींच सकती है स्टूडेंट, ये सर्किल है, आप एक यहाँ से खींचेंगे, एक तो आप ऐसे ड्रा कर लीजिए, बिल्कुल इसके बीचम बीच होनी चाहिए, ठीक है ना, जो बीच में बच रही है, और एक आप ऐसे इसमें डॉटेड लाइन कर लीजिए, ठीक है, और ये इन दोनों के बीच में होनी चाहिए जो ये लाइन से बन रही, बस दो ही लाइन कर सकते हैं। वैसे तो आप स्टूडेंट इसमें ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं और भी बना सकते हैं, लेकिन इतनी तो बनी सकती है इसमें,
चार लाइन तो इसमें पक्का बन जाएगी, ठीक है जी। लेकिन आप दो ही दो लाइन से इसे साइमेट्री कर सकते हैं, ठीक है जी। अब आप देखिए, आप बी वाले की साइमेट्री करनी, तो इसके बीच में बीच एक पॉइंट लीजिए, ले लिया, और इसे एक ऐसे ड्रा कर दीजिए इसके बीच से। तो ये सर ऐसा ही हिस्सा देखो इधर, ऐसा ही बिल्कुल सेम है, ऊपर ऐसे ही नीचे है, ठीक है जी। अगर आपने एक बीच में यहाँ बिंदु ले लिया, एक बिंदु यहाँ ले लिया, अब इन्हें स्केल रख के डॉटेड लाइन से यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसके बीच में मिला दीजिए बिल्कुल, तो दो इसकी हो जाएंगी, ठीक है जी स्टूडेंट। अब इसकी एक आपने डॉट यहाँ ले ली, एक आपने डॉट यहाँ ले लिया, अब यहाँ से एक सीधी लाइन आपने यहाँ खींच दी इनके बीच में को बिल्कुल, ठीक है जी। एक तो ऐसे खींचनी डॉटेड, एक आपने इधर ले लिया, एक आपने इधर ले लिया, तो स्टूडेंट एक आपको यहाँ खींचनी बिल्कुल डॉटेड, इसके बीच में को आनी चाहिए जो गोल है ना, सर्किल है ना छोटा, इसके बीच में को आनी चाहिए, ठीक है जी। दो तो ये होगी, एक आप स्टूडेंट यहाँ लीजिए, एक यहाँ ले लीजिए, और एक आपने ऐसे खींच दिया यहाँ बिल्कुल, एक आप इसके बीच में ले लीजिए इस लाइन के, एक इस लाइन के बीच में ले लीजिए, और इसे भी यहाँ को करते हुए ऐसे खींच दीजिए। तो ये सारी डॉटेड लाइन होनी चाहिए, ठीक है जी, समझ रहे हो ना आप। अब लास्ट वाला देख लीजिए, एक तो आप डॉट यहाँ ले लीजिए, एक आप डॉट यहाँ ले लीजिए, एक मिनट भाई, देखिए एक तो आप यहाँ पे ले लीजिए बीच में, एक यहाँ है ना, बीच में बीच होनी चाहिए, और यहाँ से आप एक तो आपने यहाँ ले ली, एक आपने यहाँ ले ली, और यहाँ से आपने ऐसे लाइन खींच दी, दोनों को बराबर डिवाइड करनी चाहिए ये, ठीक है जी। एक आप यहाँ खींच लेंगे, एक इस कोने पे, इस कोने पे, इसे यहाँ से ऐसे ले आएंगे बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल कोने से होनी चाहिए, बिल्कुल इतनी इधर होनी चाहिए, इतनी इधर होनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये आपका बन जाएगा, तो इसमें डॉटेड लाइन हो गई, आपको पता चल गया कि कितनी हमने लाइन बनाई है, ठीक है जी। तो आप अब क्वेश्चन नंबर थ्री देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर थ्री में जी, जैसी फिगर ये साइड बन रही, सेम की सेम इस साइड भी आपको ऐसी ही फिगर बनानी है इधर, ठीक है। आप पेंसिल के द्वारा या ऐसा कागज़ पर ट्रेस करके भी बना सकते हैं, है ना भाई, कागज़ रख के एक ट्रेस पेपर आता है, उससे आप लाइन खींच के बिल्कुल ऐसी सेम की सेम इधर बना सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर आपके पास ट्रेस पेपर है तो उसी का ही प्रयोग करें, उससे बहुत अच्छी बनेगी, ठीक है ना। वरना आप हाथ से कितनी भी कोशिश करेंगे कि बिल्कुल सेम के सेम ऐसी बन जाए तो बननी मुश्किल है, ठीक है जी। तो कोशिश करें बिल्कुल ट्रेस करके ऐसे ही पेपर से इधर दोबारा बना लें, ठीक है। इनमें सब में आपको ऐसा ही करना है, इसमें हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो स्टूडेंट आप देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा फोर है, ये कह रहा है आइडेंटिफाई द लेटर विच आर साइमेट्री, जो लेटर ए से लेकर जेड तक साइमेट्रिक हैं, यानी कि जिन्हें हम दो भागों में, चार भागों में, छः भागों में, अनगिनत भागों में बांट सकते हैं, उन्हें बताइए और उनमें लाइन भी ड्रा कीजिए, और जो नहीं है उन्हें छोड़ दीजिए। तो स्टूडेंट जो ए है, देखिए ए, ए साइमेट्रिकल लाइन है, इसके यहाँ बीच से लेकर आप ऐसे एक लाइन खींच देंगे बिल्कुल, ठीक है जी। ए हो गया, अब बी है स्टूडेंट, बी के यहाँ से बीचम बीच आप एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है, ऐसे एक लाइन खींच लेंगे, तो बी की ऐसे साइमेट्री हो जाएगी, ओके। अब सी है जी, ये सी है, सी के बीच में एक पॉइंट लेंगे और यहाँ पे एक, यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच देंगे, सी की ऐसे हो जाएगी,
हैव स्टूडेंट डी, डी ऐसे बनता है, यहाँ बीच है इसका और ये ऐसे है और यहाँ भी एक बीच में एक लाइन ले लेंगे, तो यहाँ से ऐसे ऐसे डॉटेड डॉटेड लाइन करते हुए चले जाएंगे। ठीक है जी। ई, ई ऐसे बनता है ना, तो स्टूडेंट आप ई को भी डॉटेड कर सकते हैं ऐसे। ठीक है जी, ई भी हो जाएगी। स्टूडेंट एफ की नहीं होने की, ठीक है, एफ पे आप क्रॉस लगा सकते हैं, जी की भी नहीं होने की, जी पे आप क्रॉस लगा सकते हैं, एच की हो सकती है, दोनों साइड हो सकती है स्टूडेंट, एक तो बिल्कुल इसके ऊपर को हो जाएगी एच की, एक यहाँ बीच में डॉट लगाइए, एक यहाँ बीच में डॉट लगाइए और इन्हें लाइन की स्केल की सहायता से ऐसे मिला दीजिए, एच हो जाएगी। अब है जी आई, इन्हें क्लीन कर दें एक बार, आई, आई एक सीधी लाइन होती है, अगर ये इसकी ज़्यादा छोटी बना रखी तो आप इसे ऐसे भी डोटेट कर सकते हैं, अगर ये छोटी है, अगर ये नहीं है तो आप इसे ऐसे कर दीजिए, ऐसे तो हो ही जाएगी। जे, जे ये होता है जे की स्टूडेंट होने की नहीं, अगर आप ऐसे करेंगे तो इधर का पार्ट अलग दिखेगा, इधर का अलग, अगर आप ऐसे करेंगे तो ये ऊपर ला अलग हो गया, नीचे का अलग हो गया, तो जे की भी नहीं होने की जी। जे की नहीं होने की के। अब स्टूडेंट अगर ये के ऐसे बनाते, यहाँ से ऐसे ऐसे के बनाते तो इसकी ऐसे हो जाती है एक लाइन, लेकिन इन्होंने के कैसे बनाया, इन्होंने के ऐसे बनाया, ये यहाँ से शुरू किया, तो स्टूडेंट अगर आप ऐसे करेंगे तो यहाँ देखो ये थोड़ा सा इधर निकट गया, इधर आता नहीं है ना, तो इस के की भी नहीं होने की, तो के को आप छोड़ दें। के की नहीं होने की जी, और एल की नहीं होने की, एल की भी नहीं होने की, एम की हो जाएगी, एम ऐसे बनता है, तो स्टूडेंट यहाँ बीच में बीच एक ले और एक यहाँ पे एक डॉट लगाए और स्केल रख कर वहाँ से डॉटेड लाइन ऐसे करते हुए चले जाए। ठीक है, यह एम की हो जाएगी। तो जी एम की हो गई, एन की होने की नहीं, ओ की तो कितनी कर लीजिए आप, ओ की बहुत सारी हो जाएंगी। ठीक है, इसका बीच में वो तो एक सर्किल जैसा है, कितनी भी कर लीजिए आप, वैसे दो तो आप इसकी बना ही लेना। ठीक है जी, तो ये जो कार्य है जो ये बुक में नहीं होने का है ना, जो ये क्वेश्चन फोर है ये बुक में नहीं होने का, आप कॉपी में बनाए जिन पे बड़े चित्र बना के बड़े बड़े से ए बी सी सारे 26 उस पर लिख दीजिए, जो होती है उसे ड्रा कर दीजिए और जो नहीं होती उन पर क्रॉस लगा दीजिए। तो स्टूडेंट पी पे भी नहीं होने की, क्यू भी नहीं होने की, आर भी नहीं होने की, एस भी नहीं होने की और टी हो जाएगी। टी को आप ऐसे कर सकते हैं, एक ऐसे लाइन खींच सकते हैं आप टी की, बस इसके बिल्कुल ऊपर को आएगी टी के। ठीक है, यू की हो जाएगी, यू ऐसा है, एक यहाँ बीचम बीच लें, एक यहाँ बीचम बीच लगा लें निशान और फिर स्केल रखकर आप ऐसे डोटेट कर दें, यू की होगी। अब वी की भी हो जाएगी स्टूडेंट, वी ऐसा यहाँ बीचम बीच रख लगाएं और यहाँ पे नीचे भी आप बीचम बीच इसके यहाँ पे लगा सकते हैं और स्केल रखकर इसे भी ऐसे डोटेट डोटेट करके मिला दें, यू की भी होगी जी, वी की भी होगी। अब डब्ल्यू की, आप डब्ल्यू की भी बना सकते हैं, यहाँ एक डॉट ले और यहाँ इसके बीचम बीच एक डॉट ले और स्केल रख के ऐसे डोटी डोटी लाइन कर दे। ठीक है जी, अब एक्स की, एक्स की आप दो लाइन बना सकते हैं, एक ऐसे बीचम बीच से जानी चाहिए इसके सेंटर से, एक ऐसे। ठीक है जी, एक बार मैंने, अब वाई देखिए स्टूडेंट, इन्होंने वाई को ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, तो
तो अगर इस प्रकार का वाई है तो यहाँ बीच में एक डॉट लीजिए, यहाँ पे एक डॉट लीजिए और स्केल रख के ऐसे डॉटेड डॉटेड इस लाइन वाई के ऊपर कोई आ जाएगी, ठीक है जी। और जेड की आपकी बनने की नहीं, ठीक है, तो इसलिए जेड की ना बनाएं आप, इन्हें बड़े बड़े अच्छे अच्छे चित्र बना लें, ए बी सी लिख लें पेज पर जितने बन सकते हो, ज़्यादा छोटे ना बनाए, बहुत बड़ा भी ना बनाए, 20 सेकेंड मीडियम से बना लें, ठीक है जी, तो आपको पता चल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है जी आपका, क्वेश्चन नंबर 5, राइट द नंबर ऑफ लाइन ऑफ साइमेट्री। स्टूडेंट सिर्फ इसमें आपको लाइन ड्रा नहीं करनी, सिर्फ आपको बताना है इसमें कितनी लाइन ड्रा हो सकती हैं, ठीक है जी। तो हम देखते हैं कितनी लाइन ड्रा हो सकती हैं स्टूडेंट। एक तो आप डॉट यहाँ ले लो, एक यहाँ ले लो और ऐसे स्केल रखकर ऐसे डॉटेड लाइन रख कर दीजिए। एक स्टूडेंट आप यहाँ ले लीजिए, एक इसके बीच में बीच लीजिए, जहाँ पे ये सर्किल मिले ना इन दोनों के ऊपर को जानी चाहिए, इस साइड भी इस साइड भी, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो इसमें कितनी लाइन हो जाएंगी, 2, ठीक है जी। इसमें कितने कोने हैं स्टूडेंट, 5। एक तो यहाँ आप करेंगे, आप एक यहाँ करेंगे, एक यहाँ करेंगे, एक यहाँ, एक यहाँ और इनके सबके लाइन के बीच में करेंगे, ठीक है। तो इस तरह 5 लाइन हो जाएंगी, देखो ऐसा आ जाएंगी, सब कोने के आगे एक एक बीच है इनका, वहाँ से लाइन चली जाएंगी। तो कितनी लाइन हो जाएंगी जी, इसमें तो हो गई जी 2 हैं और इसमें हो गई 5, इसमें 6 कॉर्नर हैं। देखिए स्टूडेंट आप काउंट करेंगे, 6 कॉर्नर हैं तो इसमें 6 लाइन हो जाएंगी, ठीक है जी। तो आप हर एक कॉर्नर को ऐसे मिला दीजिए डॉटेड डॉटेड लाइन से, है ना। फिर है जी ई वाला, ई देखो इसके बीच में बीच एक यहाँ लीजिए, एक यहाँ लीजिए और इन्हें स्केल रखकर ऐसे मिला दीजिए। अब यहाँ भी एक बीच में बीच लीजिए और यहाँ भी एक बीच में बीच लीजिए और इसे भी ऐसे कर दीजिए। एक इनके कॉर्नर से भी स्टूडेंट कर सकते हैं आप, कॉर्नर से तो 2 कॉर्नर की हो जाएंगी और 2 ऐसे हो जाएंगी, तो कितनी हो गई, 4 लाइन हो गई। आपको ये करनी नहीं है, सिर्फ हमने आपको बताया है, आपको सिर्फ ये लिखना है 2, 5, 6, 4, ठीक है जी। तो अब लास्ट रह गया, अब इसे भी देख लीजिए। तो जी जो ये ई वाला है इसमें आप एक यहाँ ले लीजिए, एक यहाँ ले लीजिए और इसे ऐसे डॉटेड कर दीजिए, ठीक है जी। तो इसमें नंबर ऑफ लाइन कितनी हो जाएंगी, 1, इसमें और हो नहीं सकते, आप स्टूडेंट देख सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह आपकी जो एक्सरसाइज 21 थी स्टूडेंट ये कंप्लीट हो गई है, ओके। तो आपको उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, आप ये इस तरह लाइन बना सकते हैं, आपको पता चल गया होगा साइमेट्रिकल ऑब्जेक्ट क्या है, साइमेट्रिकल लाइन क्या होती है, है ना, और कैसे साइमेट्री की जाती है। स्टूडेंट इन्हें आप करके ज़रूर देखें ताकि आप अपने पेपर में अच्छे नंबर ला सकें, ठीक है जी।